हम बुलाया है। अभी आप सबों का बहुत बड़ा योगदान है सोसाइटी के वॉइस को एप्रोप्रिएट लेवल पर पहुंचाने का। अभी आप पिछले दिनों आप देखा होगा कि 9 सितंबर को भारतीय मजदूर संघ पूरे देश में मोनेटाइजेशन और महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया। मीडिया के मित्रों का बहुत बड़ा सहयोग, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय को खूब मीडिया ने कवर किया। इसका नतीजा ये हुआ कि आपके ध्यान में होगा, हमने 2-3 मांग सरकार के सामने उठाया था कि आप महंगाई पर रोक लगाने के लिए, ये इस बात को भारतीय मजदूर संघ भी स्वीकार करता है कि जो अभी वैश्विक महामारी है तो सरकार की भी आर्थिक स्थिति गंभीर है, तो हम बहुत आर्थिक विषयों पर कोई अभी हम मांग अगर रखते हैं तो ये हमारे लिए भी बेमानी होगी और वो पॉलिटिकल डिमांड हो सकता है। इसलिए हमने सरकार से यह मांग किया कि महंगाई पर रोक लगाने के लिए आप 2-3 विषय जिसका आर्थिक बोझ सरकार पर नहीं पड़ना। हमने पहला ये मांग उठाया कि आप जो उत्पादन, जो भी उत्पाद है, प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट पर आप लागत मूल्य अंकित कीजिए। अभी उस पर केवल हम विक्रय मूल्य अंकित करते हैं। विक्रय मूल्य अंकित करने से ये उपभोक्ता को यह नहीं पता चलता कि आखिर इसका लागत क्या है, कितना मुनाफा लिया जा रहा है। आप सभी लोग समाज से जुड़े हैं, फार्मा सेक्टर में आप देखेंगे तो 400-500% जो है सो मुनाफा हो रहा है। इस तरह से कई प्रोडक्ट ऐसे हैं। इसलिए हमने सरकार से एक बड़ा साधारण सा, और ये सब उपभोक्ताओं का ये अधिकार होना चाहिए कि अमुक उत्पाद का लागत मूल्य क्या है। अगर लागत मूल्य हमको पता होगा तो स्वयं जो उत्पादन करता है उनको ऐसा लगेगा कि ये हमारा बहुत ज़्यादा ये है और उपभोक्ताओं में इसके विरुद्ध आवाज़ उठेगा। इसलिए हमने सरकार को और कोई नहीं, हमने कहा कि आप प्रोडक्ट्स पर आप लागत मूल्य, प्रोडक्शन कॉस्ट भी आप मेंशन करो। आप जिस तरह से आप सेल प्राइस देते हैं उस तरह से वो करें। दूसरा हमने कहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम ये छूट दिया कि वो कीमत स्वयं तय करें, तो रोज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कीमत वैरी करने लगा। और अगर हम पिछले 7 वर्षों का देखें तो कई गुना इसका कॉस्ट बढ़ा है। तो जब सरकार यह कहती है कि एक देश एक टैक्स, तो ये इसको क्यों नहीं उस GST में लाना चाहिए। और आप सब लोग बधाई के पात्र हैं कि आज ही के ये सरकार ने अनाउंस किया है कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल डीजल को भी GST में लाएंगे। आज जो 100 से ऊपर पेट्रोल डीजल का कीमत है, अगर GST में के अंडर आता है तो आपको 70 के बीच इसका प्राइस होगा। तो हम सरकार से कुछ ऐसा मांग नहीं किए, तो आप सबों का बहुत बड़ा योगदान रहा, इस विषय को आपने इतना हाईलाइट किया, इसलिए आज हम आप सबों को धन्यवाद के लिए बुलाए। दूसरा, हमने मोनेटाइजेशन का, अभी बहुत चर्चा रही मोनेटाइजेशन पर, सरकार एक तरफा निर्णय सुनाया कि हम जो डेड प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम लीज करके, पहले तो उन्होंने बेचने का कहा, जब विरोध हुआ तो उन्होंने कहा कि हम बेचेंगे नहीं, हम इसको लीज आउट करेंगे। भारतीय मजदूर संघ ने इसका विरोध किया और सरकार को हमने सुझाव दिया कि आप विकल्प पर व्यवस्था सोचो, अल्टरनेटिव सोचो। एक यही केवल आपको रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज का केवल यही एक माध्यम है, ऐसा नहीं। ये उसी तरह है, हम सभी लोग मध्यम परिवार से जुड़े हैं, तो कभी बहुत बड़ी आपदा आती है तो हम घर के जो हमारी प्रॉपर्टी है, गहना है, सोना है, चांदी है, उसको हम गिरवी रखते, उसको बेच करके हम ये करते, लेकिन हम कभी ऐसे संपत्ति को साधारण स्थिति में हम नहीं उसको ये करते हैं, बेचते या गिरवी रखते हैं। इसलिए हमने सरकार को कहा कि आप उसी तरह की अभी आप सोच आपकी बनी है जैसे घर का गहना बेचकर गृहस्थी चलाना, घर का गहना बेच करके मिठाई खरीदना, घर का गहना बेच करके कपड़ा बनाना। हाँ,
ऐसे ही कोई अति आवश्यक है तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी वैसी देश की परिस्थिति नहीं है। तो हमने सरकार को कहा कि आप मोनेटाइजेशन के बदले आप रेशनलाइजेशन कीजिए। रेशनलाइजेशन का मतलब कि अगर भुवनेश्वर का एयरपोर्ट का हमारा ज़मीन अगर फालतू है, उसका उपयोग नहीं है, तो हम भुवनेश्वर का अगर हमको ऐसा लगता है कि इसको लीज आउट करके, तो भुवनेश्वर के उद्योग को आप जो है समृद्ध कीजिए, उसका आप पुनर्जीवित कीजिए, तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, इकोनॉमिक रिकवरी भी होगा। जो आज पटरी से आर्थिक गतिविधि ये हुआ है वो भी होगा। तो इस तरह के हमने सरकार कहा कि एयरपोर्ट की अगर आपके पास आवश्यकता है तो एयरलाइंस को आप रिवाइव कीजिए। इस तरह से जिस इंडस्ट्री को आप चाहते हैं कि उससे हम रिसोर्सेज प्रोक्योर करें, तो उस इंडस्ट्री को आप रिवाइव करो। उस इंडस्ट्री को आप रिवाइव करेंगे तो इकोनॉमिक गतिविधि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तभी बाजार में मांग बढ़ेगा, और बाजार में मांग बढ़ेगा तभी उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ने पर ही रोजगार बढ़ सकता है। अगर हम मोनेटाइजेशन में क्या है, मोनेटाइजेशन में हम कुछ हाथों में पैसा दे रहे हैं, कुछ हाथों में हम जब बड़े लोगों के हाथ में पैसा होगा तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा, वो पैसा बैंक में वो कहीं जमा करेंगे, उससे आर्थिक गतिविधि को कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन हम आम जनता के हाथ में पैसा देंगे तो वो पैसा जाएगा दुकान पर, ग्रोसरी के दुकान पर जाएगा, टीवी के दुकान पर जाएगा, दवा के दुकान पर जाएगा, तो ये रोटेट जब होगा पैसा तभी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सकता है। इसलिए सरकार ने अभी राजनाथ सिंह का अभी इस पर भी बयान आया है पिछले दो दिन पहले कि वो इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सरकार ने बनाया है और इसको रिव्यू करने के लिए जो मोनेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, डिसइन्वेस्टमेंट है, तो सरकार ने इसको भी रिव्यू करने के लिए राजी हुआ है। भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से यह मांग किया था कि आप स्टेक होल्डर से डिस्कस कीजिए और आप अल्टरनेटिव सजेशंस पर विचार कीजिए। तो आज मुख्य रूप से आप सबों को हम धन्यवाद के लिए कि आप सबों ने समाज के इस इश्यू को आपने उठाया, और आपके उठाने के कारण हमारा आंदोलन और आपकी आवाज़ दोनों मिलकर समाज के लिए कुछ एक सही दिशा देने में कारगर हुआ। इसलिए आज मैं आप सबों को आमंत्रित किया है। धन्यवाद।